नारायण नारायण। आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। थाम लीजिए अपना हाथ और हमारी प्रार्थना। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट और गुड न्यूज से भरा हुआ। थमा दीजिए अपना हाथ नारायण के हाथ में और बोल दीजिए नारायण नारायण, नारायण नारायण। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम के आयोजकों का, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया और मुझे अपनी बात आप सभी तक पहुँचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आज जो भी वाणी, जो भी प्रसंग आप तक पहुँचेंगे, ये नारायण शास्त्र से लिए हुए हैं। नारायण शास्त्र यानी क्या? जितने भी ग्रंथ, शास्त्र, संतों की वाणी है इस धरती पर, उनका अध्ययन कर जब सार निकाला गया तो एक नए ग्रंथ की रचना हो गई और नाम रखा गया नारायण शास्त्र, जिसके रचयिता हैं अध्यात्मगुरु मिस्टर राघव। अध्यात्मगुरु मिस्टर राघव लिखते हैं कि इस पृथ्वी पर आया हुआ हर एक व्यक्ति एक शानदार जीवन जीना चाहता है। हाँ, हो सकता है कि हर एक व्यक्ति की शानदार जीवन की परिभाषा अलग अलग हो, लेकिन ये निश्चित है कि इस पृथ्वी पर आया हुआ हर एक व्यक्ति एक सुंदर, बेहतर, शानदार जीवन जीना चाहता है। तो शानदार जीवन जीने के लिए आप जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो तो आप कीजिए ही कीजिए, करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ यदि आप उसके भीतर ये नारायण शास्त्र में दिए गए कुछ सूत्र भी आत्मसात कर लेते हैं, तो निश्चित है कि आपका जीवन चाहे कितना ही साधारण क्यों न हो, वो शानदार में तब्दील हो जाएगा। कब? जब नारायण शास्त्र के सूत्र आप आत्मसात करेंगे। आगे बढ़ते हैं पहले सूत्र के साथ, और मिस्टर केशव आपको बताएंगे कि शानदार जीवन जीने के लिए हमें क्या करना होगा। मिस्टर केशव लिखते हैं कि हर एक संस्था के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियम होते हैं। जब संस्था को उन नियमों पर चलाया जाता है तो संस्था को चलाना आसान हो जाता है और संस्था निरंतर आगे ही बढ़ती रहती है। जिस तरह संस्था सही तरीके से चल सके और निरंतर आगे बढ़ सके, इसलिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए, ताकि हम भी निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। लिखते हैं मिस्टर केशव कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं सफल लोगों की
महान लोगों की जीवनी पढ़ता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि हो न हो उन लोगों ने भी अपने जीवन में कुछ नियम बनाए होंगे और उन नियमों का पालन किया होगा और उन्हीं नियम पालन ने उन्हें फिर उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसकी शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी, इन्होंने नियम लिया था अहिंसा का, पालन किया और देश को आज़ादी दिलवाई। वे गहरे तक अध्यात्म से जुड़े थे, तभी तो जब अंतिम सांस ली उस वक्त भी उनके होठों पर हे राम ही था। मिस्टर रतन टाटा, इनका कमिटमेंट था कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट ही दूंगा और ईमानदारी से ही काम करूंगा। आज पूरी दुनिया जानती है कि वो किस ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं और टिके हुए हैं। उन्होंने तो ये भी साबित कर दिया कि ईमानदारी से भी सफलता हासिल की जा सकती है। और नारायण शास्त्र तो कहता है कि ईमानदारी से पाई गई सफलता आजीवन टिकी रहती है। अब बात मिस्टर अमिताभ बच्चन की, जिनका वादा था कि मैं ऐसे किसी वस्तु का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, विज्ञापन नहीं करूंगा जो सेहत पर गलत असर डालती हो। हम सभी जानते हैं कि एक समय उनके जीवन में ऐसा आया था जब उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उस वक्त भी पैसे कमाने के लिए उन्होंने किसी भी ऐसी वस्तु का प्रचार प्रसार विज्ञापन नहीं किया जो सेहत पर गलत असर डालती हो। अपने नियम पर अड़े रहे और आज हम सब जानते हैं कि वो किस ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, टिके हुए हैं। इस तरह के उदाहरण लिखते हैं केशव, अनेक हैं। ये जो महान लोग हैं, ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ नियम बनाए, उन नियमों पर चले और हमने एक शानदार जीवन जिया। तो क्यों नहीं आप भी अपने जीवन में कुछ नियम बनाते, उस पर चलते और एक शानदार जीवन जीते। केशव ने तो बेहद सीधी सरल भाषा में अपनी बात आप तक पहुंचा दी कि यदि जीवन को साधारण से शानदार को ले जाना है तो आपको अपने जीवन में कुछ नियम बनाने होंगे और उनका पालन करना होगा। अब बात मिस्टर नित्यानंद की। मिस्टर नित्यानंद भी अपनी बात आप तक बेहद सीधी सरल भाषा में पहुंचाने वाले हैं, लेकिन बात थोड़ी सी गहरी है। आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। और ये भी निश्चित है कि यदि आप नित्यानंद की बातों को आत्मसात कर लेते हैं तो चाहे आप कितना भी साधारण जीवन क्यों न जी रहे हों, आपका जीवन शानदार जीवन में परिवर्तित होता चला जाएगा। तो आइए सुनते हैं मिस्टर नित्यानंद हमसे क्या कहते हैं। मिस्टर नित्यानंद लिखते हैं कि हम कितना भी क्यों न चाहें, पीछे नहीं लौट सकते। ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी है जो हमें भूतकाल यानी कि पास्ट में ले जा सके और हम उन कामों को कर सकें जो काम हम उस वक्त करना चाहते थे। आइए कुछ इस तरह समझते हैं मिस्टर नित्यानंद की बातों को। ये टुडे यानी आज का दिन है, आज। ये बीता हुआ कल यानी यस्टरडे।
भूतकाल बीत गया पास्ट, और ये आने वाला कल यानी टुमारो फ्यूचर भविष्य। एक बार पुनः दोहराते हैं मिस्टर नित्यानंद की बात को। मिस्टर नित्यानंद लिखते हैं कि हम कितना भी क्यों ना चाहें पीछे नहीं लौट सकते। ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी है जो हमें यहाँ से भूतकाल या पास्ट में ले जा सके और हम उन कामों को कर सकें जो काम हम उस वक्त करना चाहते थे। आइए समझते हैं क्या कहना चाहते हैं मिस्टर नित्यानंद। अक्सर हम अपने जीवन में कहते सुनते पाए जाते हैं कि ये काम तो मुझे कल ही कर लेना चाहिए था। कई बार हम कहते सुनते पाए जाते हैं कि ये काम तो मुझे कल ही कर लेना चाहिए था या दो तीन दिन पहले ही कर लेना चाहिए था। जब आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, तब भी मज़ेदार बात देखिए, आज जैसे संडे है, कल मंडे है, मंडे का दिन हमारे हाथ में आएगा तब आज के रूप में होगा, और हम में से अधिकांश लोग पुनः इसी को रिपीट कर देंगे कि अरे ये काम मैंने कल ही क्यों नहीं कर लिया, मुझे ये काम कल ही कर लेना चाहिए था। ये वाक्य शब्द हम बरसों से कहते आ रहे हैं और बरसों तक कहते रहेंगे। ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा जब तक कि हम आज और वर्तमान क्षण में जीना नहीं सीख जाते और इस जागरूकता के साथ, इस अवेयरनेस के साथ कि वर्तमान क्षण भी धीरे धीरे भूतकाल का हिस्सा बनने जा रहा है। लिखते हैं मिस्टर नित्यानंद कि हम सभी अपने जीवन में कुछ बदलाव, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो जो भी आप सुधार, जो भी बदलाव आप अपना करना चाहते हैं व्यवहार में, जीवन में, स्वभाव में, वो आपको आज और इस वर्तमान क्षण में ही करना होगा। इस जागरूकता के साथ कि ये वर्तमान क्षण ही है जो आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। लिखते हैं मिस्टर नित्यानंद कि हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि हम किसी भी कीमत पर, किसी भी अवस्था में भूतकाल को नहीं बदल सकते और हमारी किसी भी प्रकार की बेचैनी हमारे भविष्य को नहीं बदल सकती। जीवन अनिश्चित है, हमारे हाथ में सिर्फ आज और वर्तमान क्षण है। मिस्टर नित्यानंद लिखते हैं कि हम अपना पूरा जीवन भविष्य की चिंता में और भविष्य की प्लानिंग में बिता देते हैं। हमें ये एहसास रखना होगा, ये जागरूकता रखनी होगी कि जिस भविष्य की प्लानिंग में और चिंता में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, उस भविष्य का निर्माण भी ये वर्तमान क्षण ही कर रहा है। और ये इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्यशाली है कि इस वर्तमान क्षण में इतिहास रचने की शक्ति है, बनिस्पत कि हम इसका सदुपयोग करेंगे। लिखते हैं मिस्टर नित्यानंद कि शास्त्रों में भी इस वर्तमान क्षण को बहुत अधिक अहमियत दी गई है।
शास्त्र लिखता है वर्तमान क्षण की बाबत कि सर्वोत्तम आपके जीवन का सर्वोत्तम क्षण है, ये सर्वश्रेष्ठ क्षण है, ये शक्ति से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ, बेश कीमती प्रचुरता से भरा हुआ, भरपूरता से भरा हुआ, आशा से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, अवसर से भरा हुआ और एकमात्र जीवित क्षण। खास फोकस किया है इसके ऊपर कि ये एकमात्र जीवित क्षण है। ये भूतकाल बीत चुका है, कल क्या होगा हमें नहीं पता, हमारे हाथ में सिर्फ आज और वर्तमान क्षण है। और बेहद खुशी की बात यह है कि आज ये वर्तमान क्षण हमसे एक व्यक्ति के रूप में रूबरू होने जा रहा है। एक व्यक्ति के रूप में रूबरू होने जा रहा है। इसकी खासियत है ये दातार है, दयालु है, उदार है। इसके पास जो शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, भरपूरता है, प्रचुरता है, ये अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपनी भरपूरता, अपनी प्रचुरता आपको बांटने के लिए आया है। क्योंकि जैसे जो भी चीजें हमारे पास बहुतायत में होती है हम क्या करते हैं, दूसरों को बांटते हैं। तो इसके पास भी भरपूरता, प्रचुरता, शक्ति, सामर्थ्य भरपूर है। और चूंकि स्वभाव दातार है, दयालु है, उदार है, तो अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य आपको देने के लिए आए हैं। लेकिन छोटी सी इसकी एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कह लीजिए या शर्त कह लीजिए। ये कहता है कि मेरा सदुपयोग कर लीजिए। जो ही आप मेरा सदुपयोग करेंगे, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य आपके खाते में जमा करवा दूंगा, आपके अकाउंट में जमा करवा दूंगा, भरपूरता, प्रचुरता आपके जीवन भर दूंगा। आइए जानते हैं इसके पीछे वर्तमान क्षण का क्या आशय है, किस तरह सदुपयोग करने पर ही हमारे खाते में प्रचुरता, भरपूरता भरते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम किसी उच्च शिक्षित व्यक्ति को, डॉक्टर है, सीए है, एमबी है, एटसेट्रा, जब भी किसी उच्च शिक्षित व्यक्ति को देखते हैं तो कोई ना कोई पेरेंट को हमने कहते सुनते पाया है कि अपने बच्चे को, साथ में बच्चा रहेगा और उसे इशारा करके बताते हैं, सामने देखो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमबीए पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसने मेहनत कर ली अपने जीवन में, इसने उस वक्त मेहनत कर ली, इसलिए आज एक शानदार जीवन जी रहा है, तुम भी मेहनत कर लो ताकि कल तुम भी एक शानदार जीवन जी सको। तब आइए समझते हैं नित्यानंद की भाषा में कि क्या कहा जा रहा है। जैसे डॉक्टर आज बहुत शानदार पढ़ लिख लिया, मैं उस वक्त मेहनत की, आज डॉक्टर बन गया, आज एक शानदार जीवन जी रहा है। हम कहते हैं कि उस वक्त यानी भूतकाल में उसने मेहनत की, इसलिए वर्तमान में आज वो शानदार जीवन जी रहा है। जिस वक्त उसने आज वो चीजें भूतकाल में हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वो मेहनत कर रहा था उस वक्त का वो वर्तमान क्षण था। क्योंकि हम विद्यार्थी से पूछते हैं ना कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, उनका उत्तर होता है कि हम सीए की तैयारी कर रहे हैं, हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, हम एमबीए की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस वक्त मेहनत की थी वर्तमान क्षण में उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने वर्तमान क्षण का सदुपयोग किया, एवज में वर्तमान क्षण ने अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपनी प्रचुरता, भरपूरता दी।
नतीजा आज वो एक शानदार जीवन जी रहे हैं। अब प्रश्न ये कि डिग्री हाथ में आ गई, लेकिन यदि आज वो मेहनत नहीं करते हैं, सारा समय, चूंकि लॉकडाउन का समय है, बाहर तो अधिक जा नहीं सकते हैं, सारा समय टीवी लेकर बैठना, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप पर बैठे रहना, मैसेज फॉरवर्ड करते रहना, यदि ये अवस्था आज उन्होंने की तो उनका भविष्य शानदार हो पाएगा क्या, रह पाएगा क्या? नहीं। वर्तमान क्षण का तो हमें सदुपयोग करना ही होगा यदि हमें शानदार जीवन जीना है तो। अब देखिए ना, खासकर लॉकडाउन के वक्त हम कईयों को कहते सुनते पाते हैं कि हमने उस वक्त मेहनत की थी, सेविंग कर ली, इसलिए आज लॉकडाउन में भी हमारा काम आसानी से चल रहा है। यदि उस वक्त हमने पैसे उड़ा दिए होते तो निश्चित है कि आज की अवस्था में हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। आप कहते हैं कि पैसा उड़ा दिया होता तो परेशानी झेलनी पड़ती, सेविंग की थी तो आज का लॉकडाउन का समय हमारा आसानी से सरलता से बीत रहा है। अब नित्यानंद की भाषा में, आपने जिस वक्त मेहनत की, सेविंग की, वो वर्तमान क्षण था। आप कहते यदि मैंने पैसा उड़ा दिया होता तो, आप यदि पैसा उड़ाते तो आप कहते हैं कि हमने सिर्फ पैसा उड़ाया ना, उस वक्त का बेश कीमती समय वर्तमान क्षण भी आपने उड़ाया होता, शॉपिंग करने में, पिक्चर देखने में, पार्टी करने में, दोस्तों के साथ, पैसों के साथ साथ समय भी उड़ाया होता। और समय का दुरुपयोग होता ये, जब समय का दुरुपयोग होता तो ये शक्ति सामर्थ्य प्रचुरता भरपूरता रोक देता है। आपने मेहनत की, न सिर्फ धन बचाया बल्कि समय का भी सदुपयोग किया, उसने आपको शक्ति सामर्थ्य एवज में दी, भरपूरता प्रचुरता दिया, इसलिए आज लॉकडाउन की अवस्था में भी आपका समय बहुत अच्छे से बीत रहा है। हम कईयों को देखते हैं कि नियमित वॉक करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, सुबह 5 बजे उठे, 1 घंटा वॉक करना, 1 घंटा एक्सरसाइज करना, उसकी वजह से हम देखते हैं कि आज वो एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अब नित्यानंद की भाषा में कि वो सुबह 5 बजे उठे, 1 घंटा वॉक किया, 1 घंटा एक्सरसाइज किया, उस वर्तमान क्षण का सदुपयोग किया, इसकी एवज में वर्तमान क्षण ने शक्ति सामर्थ्य दिया, इसलिए आज वो एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अब प्रश्न ये कि यदि आज आराम से उठते हैं, जंक फूड खाते हैं, न एक्सरसाइज करते हैं, न वॉक करते हैं, समय यूं ही बिताते हैं, तो क्या भविष्य सही रह पाएगा क्या? नहीं। क्योंकि जो ही आपने वर्तमान क्षण का दुरुपयोग किया, ये अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य रोक देता है आपको देने से। आपको यदि स्वस्थ रहना है तो वर्तमान क्षण का तो सदुपयोग करना ही करना होगा। हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पिछले काफ़ी सालों तक उन्होंने देश के लिए बहुत अधिक काम किया, नतीजा आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित हो रहे हैं। जब उन्होंने मेहनत की, काम किया, उस वक्त वो वर्तमान क्षण में, वर्तमान समय में काम कर रहे थे, मेहनत की, सदुपयोग किया, एवज में शक्ति सामर्थ्य प्रचुरता भरपूरता उनके खाते में वर्तमान क्षण ने डाली, इसलिए आज पीएम की गद्दी पर बैठे हुए हैं। अब प्रश्न ये नित्यानंद का कि यदि आज वर्तमान समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो क्या भविष्य में उन्हें चुना जाएगा क्या? नहीं। यदि आपको शानदार जीवन जीना है, आपको वर्तमान क्षण का सदुपयोग करना ही होगा। और इसकी खासियत है, दातार है, दयालु है, उदार है,
अवसर से भरपूर है। ये अपनी प्रचुरता भरपूरता आप तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए बारंबार आपको अवसर देता है, मौका देता है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ताकि तुम्हारे खाते में मैं प्रचुरता शक्ति सामर्थ्य डिपॉजिट कर सकूं। आज जब ये आपसे व्यक्तिगत रूप में रूबरू होने आया है तो ये आपसे कह रहा है कि भूतकाल में जो गलतियां आपने की उनसे सीखो, सबक लो, उन्हें मत दोहराओ, ताकि मैं तुम्हारे खाते में प्रचुरता भर सकूं। हम कई बार ये कहते सुनते पाए जाते हैं कि उस वक्त मुझसे छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ये कह रहा है वर्तमान क्षण, जो गलती हो गई उससे सबक ले लो, पुनः गलती मत दोहराओ, मैं तुम्हारे कर्मों को माफ कर दूंगा और खाते में शक्ति सामर्थ्य डिपॉजिट कर दूंगा, पर शर्त है कि गलतियां दोबारा आपको दोहरानी नहीं है। आप गलतियां करते हैं इसका अर्थ है आप मेरा दुरुपयोग करते हैं, और जो ही दुरुपयोग करते हैं ये शक्ति सामर्थ्य मैं रोक देता हूं। नंबर दो, ये वर्तमान क्षण आपसे कह रहा है कि जिस भी व्यक्ति के प्रति, जिन जिन के प्रति आपके भीतर नकारात्मक भाव है, हर्ट दुख भरा पड़ा है कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे जरूरत के वक्त मदद नहीं की, जो नकारात्मक भाव भरे पड़े हैं जिस व्यक्ति के प्रति, उन्हें माफ कर दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये कह रहा है, उसके दो विशेष कारण हैं कि सामने वाले ने आपसे गलत व्यवहार किया, आपको दुख पहुंचा, जो दुख आपने भोगा वो आपके खुद के कर्मों का फल था, इसलिए उन्हें माफ कर दीजिए, उन पर दोषारोपण ना करें। दोषारोपण करके आप नए कर्म क्रिएट करते हैं और मेरा दुरुपयोग करते हैं। नंबर दो, कि मैं तो आया था भरपूरता प्रचुरता तुम्हें देने के लिए, और तुम उस वक्त क्रोध में थे, शिकायत निंदा बुराई कर रहे थे जिस व्यक्ति ने तुम्हें हर्ट किया था उस बाबत। पता है क्या, जिस वक्त आप क्रोध में होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं, निंदा कर रहे होते हैं, किसी की बुराई कर रहे होते हैं, आप नॉट रीचेबल जोन में होते हैं, आउट ऑफ कवरेज एरिया में होते हैं। मैं तो आया था शक्ति सामर्थ्य तुम्हें देने के लिए, पर तुम आउट ऑफ कवरेज एरिया थे, मैं आगे निकल गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माफ कर दीजिए, ताकि बारंबार जो भीतर आपके उसके प्रति शिकायत है वो आप नहीं करेंगे और मेरा सदुपयोग करेंगे। नंबर तीन, जिन जिन को आपने दुख पहुंचाया है, हर्ट किया है, उनसे माफी मांग लीजिए। ध्यान रहे, ये बीत चुका है, कल क्या होगा हमें पता नहीं, हमें पछतावा नहीं रहना चाहिए। तो जिन जिन को आपने दुख पहुंचाया है उनसे माफी मांग लीजिए। पता है मुझे कब दुख होता है, ये वर्तमान क्षण आपसे कह रहा है कि आपको पता है क्या कि मुझे कब दुख होता है, जब आप किसी का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, ताना मारते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं, और विशेषकर जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं उन्हें, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने मुझे हर्ट किया है, मुझे दुख पहुंचाया है, तो इनकी सप्लाई शक्ति सामर्थ्य भरपूरता प्रचुरता
मैं रोक देता हूं। और अनादर करने के बाद सपोज आपने मेरा सदुपयोग किया, वादे के मुताबिक मुझे आप तक शक्ति सामर्थ्य पहुंचाना होगा, दूंगा, लेकिन भरपूरता प्रचुरता रोक देता हूं। और ये भी संभव है कि जो शक्ति जो सामर्थ्य आप तक पहुंचेगा दिया मैं नहीं होगा, उसका उपभोग आप कर पाए या ना कर पाए। बेहतर होगा किसी का भी अनादर ना करें, ताने ना मारें, शिकायत ना करें, निंदा ना करें, बुराई ना करें। नंबर 4, मैं अवसर दे रहा हूं आपको, कहते हैं वर्तमान क्षण कि मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं सुंदर बीज बोने का। सुंदर बीज बोना यानी अच्छे कर्म करने का। अच्छे कर्म किसे कहते हैं? आपके द्वारा किया गया वो कर्म जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, खुशी देता है, अच्छे कर्मों की श्रेणी में आता है। आज अच्छे कर्म करोगे, भविष्य शानदार बनता चला जाएगा। लिखते हैं अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव कि जिन दिनों शेयर मार्केट तेजी पर हुआ करता था तो सौदा करने वाले व्यापारी हर दो दो घंटे में अपना बही खाता चेक करते थे कि हमने कितना सौदा किया, कितना कमाया और कितना गंवाया। यदि आप भी शानदार जीवन जीना चाहते हैं तो हर दो घंटे में पीछे मुड़ कर देखिए कि पिछले दो घंटों में मैंने कितनों को सुख पहुंचाया, कितनों को खुशी दी, कितनों की मदद की। चाहे आप घर में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, और कितनों का चेहरा ताना मारकर उतार दिया, सुख पहुंचाया, खुशी पहुंचाई, आपने सुंदर बीज बोया है। भविष्य शानदार, आज भी शानदार, कल भी शानदार। और दुख दिया है किसी को तो उसके फल भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। लिखता है, कहते हैं वर्तमान क्षण आपसे कह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे जा तो रहा हूं भूतकाल की ओर, लेकिन आपके भविष्य का निर्माण करते हुए। तो अच्छे अच्छे कार्य करते रहें, मेरा सदुपयोग करते रहें, ताकि आपका जीवन और बेहतर और बेहतर और शानदार होता चला जाए। और सीधी सलसी बात यह है कि आप बारंबार भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, बजाय इसके क्या करना होगा? आपने यदि वर्तमान क्षण कहता है कि आपने यदि मेरा सदुपयोग कर लिया तो आपका भविष्य शानदार, सुखद और शानदार। आपने मेरा दुरुपयोग किया, भविष्य दुखद। आपको प्लानिंग और चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मुझ पर निर्भर है। और लिखते हैं मिस्टर राघव, अध्यात्म मिस्टर राघव, कि वर्तमान क्षण में इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य है कि समझ लीजिए शक्ति सामर्थ्य भरपूरता प्रचुरता आपके भाग्य में है। लेकिन आपने यदि इसका दुरुपयोग किया, ये इसे रोक देगा। और समझिए ये चीजें आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन आपको चाहिए है। आपने वर्तमान क्षण समय का सदुपयोग किया, ये आपके खाते में डिपॉजिट कर देगा। ये जा रहा है आपसे कहते हुए कि मैं जा तो रहा हूं भूतकाल का हिस्सा बनने, लेकिन आपके भविष्य का निर्माण करते हुए। मेरे क्षण क्षण का सदुपयोग कर लीजिए ताकि जीवन भर जाए शक्ति सामर्थ्य
भरपूरता और प्रचुरता से। ये तो बात थी आपकी मिस्टर नित्यानंद की। अब बात करते हैं श्रीमती राधिका की। तीसरा सूत्र जो आप तक पहुंचेगा, जो आपके जीवन को शानदार बना देगा, वो है राधिका के माध्यम से। राधिका लिखती है कि आज की इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपनी हर एक वस्तु को अपडेट करने में लगा हुआ है। अपडेट करना यानी या तो वस्तु को बदलना या सुधारना, फिर चाहे वो घर हो या वर्क प्लेस, म्यूजिक सिस्टम हो या मोबाइल। और मैंने ये भी देखा कि जब किसी वस्तु को अपडेट किया जाता है तो जो पुरानी वस्तु होती है उसकी तो वैल्यू कम हो जाती है और जो नई वस्तु होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यह देख एक दिन मेरे मन में भाव आया कि बजाय भौतिक वस्तुओं को अपडेट करने के, क्यों न मैं अपने आप को अपडेट करूं, ताकि मेरी वैल्यू बढ़े, मेरी कीमत बढ़े। अब मैंने सोचना शुरू किया, लिखती राधिका, कि मुझे अपने भीतर कौन सी चीज अपडेट करनी है। मैंने आत्मचिंतन करना शुरू किया। जब मैंने आत्मचिंतन किया तो मुझे एहसास हुआ कि एक बहुत गलत आदत मेरे भीतर है। वो ये कि हर काम को कल पर टाल देने की। फॉर एग्जाम्पल, पिछले दिनों मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मैंने जाना उसमें कई अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। उन अच्छी बातों को मैंने अंडरलाइन करना शुरू कर दिया और ये सोचकर उसे बेड साइड रख दिया कि इसे अभी रोज पढ़ूंगी ताकि ये अच्छी बातें मेरे जेहन में उतर जाए। लेकिन जितनी बार भी उस पुस्तक को देखती, कल पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी। नतीजा 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, उस पुस्तक को मैंने दोबारा हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि अब तो उस पुस्तक के ऊपर ढेर सारी पुस्तकों का अंबार लग चुका है। मैं बाजार जाती हूँ, लिखती राधिका आगे, कि मैं बाजार जाती हूँ और ढेर सारी सामग्री खरीद कर लाती हूँ, अलमारी में फिट करती हूँ, ये सोचकर कि अब रोज नई रेसिपी ट्राई करूँगी। लेकिन कल से, कल कल करते हुए कई बार ऐसा हो गया है कि उस वस्तु की एक्सपायरी डेट आ गई और मुझे उसे डस्टबिन में फेंकना पड़ा। 3, कई बार भीतर मुझे अच्छे अच्छे भाव आते हैं, सोचती हूँ कि लिपिबद्ध कर लूँ ताकि सुंदर कविता का निर्माण हो जाए, लेकिन फिर वही आदत, कल करूँगी। ढेर सारे लेख मैंने लिख रखे हैं जो मुझे पोस्ट करने हैं, कल करूंगी। कई फोन कॉल्स के जवाब मुझे देने हैं, कल करूंगी। मैं हर काम को कल पर टाल दिया करती हूँ। अब जब मुझे अपने आप को अपडेट करना है तो मैंने सोचा अब मैं हर काम को तुरंत करने की आदत डाल लूंगी, लेकिन कल से। इसे भी मैंने कल पर टाल दिया था, लेकिन जब मैंने मिस्टर नित्यानंद का टॉक सुना और वर्तमान क्षण की अहमियत समझी, ताकत समझी, मैंने इसे तुरंत आजमाने की ठानी। नोट पैड लिया, पेन लिया और उन सारे कामों को लिखा जो मैं करना तो चाहती थी लेकिन कल पर टालती जा रही थी। सबसे पहले उस पुस्तक को पढ़ना, आगे लिखा एक दोपहर में 1 से 3 तक मैं रेस्ट करती हूँ, उस वक्त उस पुस्तक को पढ़ूंगी। 2, मुझे नई रेसिपी ट्राई करनी है। सुबह का लंच बन चुका था, शाम को डिनर में बनाऊंगी, रात 8 बजे के पहले मेरी नई रेसिपी रेडी हो जानी है। 3,
मुझे कविता लिखनी है। एक सुंदर सा पैड और पेन रसोई में रख दिया कि जो ही भीतर भाव आएगा लिपिबद्ध कर लूंगी। नंबर 4, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं मेरे पास, मुझे पोस्ट करने हैं। शाम को 5 से 6 जब वॉक करने जाऊंगी उसे पोस्ट करती आऊंगी। मुझे 5 फोन कॉल्स के रिप्लाई कॉल करने हैं। मेरे पति रात को 8 बजे घर आते हैं, उसके पहले पहले 5ों कॉल मुझे कर लेने हैं। इस तरह के ढेर सारे काम मैंने लाइन अप कर लिए और लिखती राधिका उस अनुसार मैंने करना शुरू कर दिया। यकीन मानिए मेरा तो जीवन ही बदल गया। जिस वर्तमान क्षण की मैंने आज तक अहमियत नहीं समझी थी, कदर नहीं की थी, जब मैंने इसका सदुपयोग करना शुरू किया, सच में मैं भरपूरता से प्रचुरता से भर उठी। देखिए ना, पहले जहां मुझे आलसी है, लापरवाह है, इससे तो कोई काम ही नहीं हो सकता, इस तरह के शब्दों का से नवाजा जाता था, और अब सिंसियर है, रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिव है, स्मार्ट है, ये परिवर्तन आ गया है। मैंने तो ठान लिया कि मुझे तो वर्तमान क्षण का सदुपयोग करना ही करना है। आपका क्या इरादा है? चलते चलते राधिका लिखती है, एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ये कि सपोज आपको कोई सामान चाहिए था और सामान लेने के लिए आपने अलमारी खोली, उसका ड्रॉवर खोला। जब ड्रॉवर में से वो सामान आप निकाल रहे थे, आपने देखा कि आपके कबर्ड का वो ड्रॉवर अस्त व्यस्त हो रखा है, और यदि इसे व्यवस्थित करती हूँ तो 5-7 मिनट में ड्रॉवर व्यवस्थित हो जाएगा। आपके पास हाथ में 5-7 मिनट का समय था। आपने जो ही ड्रॉवर में से सामान निकालकर उसे व्यवस्थित करना शुरू किया, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप के पीप की घंटी बजी। आपने ड्रॉवर वहीं छोड़ा, मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप देखा, अगले पिछले सारे व्हाट्सएप देख लिए, कुछ डिलीट किए, कुछ फॉरवर्ड किए। इस सारे कामों में 10 मिनट लग गया। अब आपके पास समय नहीं है उस ड्रॉवर को व्यवस्थित करने का। आपने ड्रॉवर बंद किया, अलमारी बंद की, दूसरे काम में लग गई। और दूसरा ऑप्शन ये कि आपने ड्रॉवर व्यवस्थित करना शुरू किया ही था, व्हाट्सएप की घंटी बची। पर आपको ये अच्छी तरह पता है कि व्हाट्सएप पर कभी भी जरूरी समाचार नहीं आता। अगले को अर्जेंट काम होगा तो मोबाइल पे करेगा। मैं शांति से जब समय होगा तब व्हाट्सएप चेक करूंगी। आपने उस ड्रॉवर को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। 10 मिनट के भीतर भीतर वो ड्रॉवर आपका व्यवस्थित हो गया। सोचिए आपको कितनी खुशी होती है, कितनी ऊर्जा मिलती है। ये भाव भीतर आता है कि लगे हाथों बगल वाला ड्रॉवर भी सब व्यवस्थित कर लेती हूँ। तो आपने वर्तमान क्षण का सदुपयोग किया, एवज में शक्ति सामर्थ्य उसने दिया। छोटी छोटी बातें हैं, जितना आप सदुपयोग करते चले जाएंगे आप भरपूरता प्रचुरता से भरते चले जाएंगे। नारायण नारायण। आज के इस सत्र में आपने सुना मिस्टर केशव को कि शानदार जीवन बनाने के लिए आपको कुछ नियम बनाने होंगे, उनका पालन करना होगा। और मिस्टर नित्यानंद ने आपको वर्तमान क्षण की खासियत बताई है। श्रीमती राधिका ने बताया आपको कि हर काम को तुरंत करने की आदत डालना, ये वो सूत्र है, यदि आप आत्मसात कर लेते हैं तो निश्चित ये कि कितना भी साधारण जीवन आप क्यों न जी रहे हों, उसे शानदार में परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा। चलते चलते
अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव की बात आप तक। अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव लिखते हैं कि इस दुनिया में, इस धरती पर हम कुछ ही समय के लिए आए हैं और ये समय पलक झपकते ही बीत जाने वाला है। ये बीते इसके पहले किसी की खुशी का, किसी के आनंद का, किसी की सफलता का कारण बने। जितनी भलाई कर सकते करें, जितने तरीकों से कर सकते करें, जितने साधनों से कर सकते करें, जितने लोगों की कर सकते करें, जब तक कर सकते करें, क्योंकि ये भलाई रूपी बीज ही बनाएंगे आपके जीवन को और सुंदर और बेहतर और शानदार। एक बार पुनः मैं संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि इस संस्था को और शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि ये संस्था समाज सेवा में सदैव अग्रणी बनी रहे और आप सभी का जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। नारायण नारायण। आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में देश और विदेश में इस जूम पर मिल रहे हैं, तो क्यों न हम राम राम 21 करें, पूरे विश्व की सेहत, सुरक्षा, समृद्धि के लिए। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू विद 7-star लाइफ। नारायण नारायण।